नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमारा चल रहा था प्रथम पाठ्य सुभाषितानी, जो हमारा पूरा हो गया है। मैं दो दिन आपके जो बुक है रुचिरा, उसके चैप्टर डालूंगी, उनके क्वेश्चन आंसर डालूंगी, और एक दिन हम पढ़ेंगे व्याकरण जो 6th, 7th, 8th में एक साथ चलेगी, है ना। और जो कुछ हार्ड लेवल की होगी वो केवल 7th, 8th में डाली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो व्याकरण है तीनों क्लासों में, वैसे तो 4th से लेकर 8th तक एक जैसी है, लेकिन वो थोड़े बच्चे हैं तो थोड़ा उनको थोड़ी अलग दूसरी पढ़ाई जाएगी। और एक दिन जो सैटरडे का है वो आपके व्याकरण चलेगी, ठीक है ना। तो साथ साथ में व्याकरण का भी आपको करना है, एक ही नोटबुक में आप अपनी बुक का भी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और उसी में करेंगे व्याकरण के। एक ही नोटबुक के मोटी वाली नोटबुक डाल लीजिएगा आप, उसमें दो पार्टीशन कर लीजिएगा व्याकरण, उसके दो हिस्से ऐसे जो नोटबुक होती है तो उसके बीच में से ऐसे दो हिस्से कर देने हैं ना, और एक तरफ से आपके बुक के चलेंगे क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी है, और एक तरफ व्याकरण के, ठीक है। बीच में एक दो पेज मोड़ लेना है जिससे आपको पता चल जाए। तो व्याकरण के जो भी मैंने करवाए वो आप सब लिखेंगे। व्याकरण के पत्र लेखन है, अव्यय शब्द है, विलोम पदानी है, है ना, पर्याय है, जो भी है वो सब कुछ मैं करवाऊंगी। तो एक दिन व्याकरण का आपके चलेगा, ठीक है बच्चों। आज हम करते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका हमेशा वही रहता है, सर्वांश श्लोकान सह स्वरम गायत। तो सभी जो श्लोक है आप उनको सह स्वर से वादन कर सकते हैं, गा सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, है ना। तो रोज का अगर आप सैटरडे को या संडे को भी एक श्लोक याद करते हैं तो आपके पास में बहुत सारे श्लोक हो जाएंगे, जो आपको कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, यथा योग्यम श्लोकान शान मेलियत, यानी इनमें जो यथा योग्य, जो उचित है, जो जिसका एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, जो जिसका एक पार्ट यथा योग्य है, जो जिससे मेल खाता है उसको मेलियत। धन धान्य प्रयोगेशु, है ना, किसका पार्ट है ये, कौन से श्लोक में आया था, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, है ना। तो धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च, और विद्या के संग्रह में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें इनमें संकोच नहीं करना चाहिए, तख्त लज्जय बताया था ना। फिर है विस्मयो न ही कर्तव्य, हमें इनको विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, बताया था ना, नीति में नहीं करना चाहिए, विज्ञान में नहीं करना चाहिए, विनम्रता में नहीं करना चाहिए। अगर आपने अच्छे से मेरे श्लोकों का अर्थ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे का क्या आएगा, बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा जो होती है हमारी बहुरत्नों वाली होती है, इस पर तो अनेक अनेक कलाएँ विकसित है, बहुत भरी पड़ी है ना, कोई भी इसका वो नहीं है कि इसमें गिनती की चीज़ें हैं, बहुरत्ना है, बहुत प्रकार के रत्न भरे पड़े हैं, बहुत प्रकार के टैलेंट भरे पड़े हैं दुनिया में, तो हमें उनमें विस्मय नहीं करना चाहिए। सत्यं धारयते पृथ्वी, तो इसका कौन सा है कौन सा श्लोक इस वाले में है, सत्यं तप्ते रवि, सद्वीर विवादम मैत्री च, सज्जन लोगों के साथ हमें क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और इसका कौन सा आएगा, ना सद्वी किंचित आचरेत, है ना, और जो ना सद्वी है उनके साथ हमें कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, तो इसका ना सद्वी वाले से मिल जाएगा, मिलान हो जाएगा। आहारे व्यवहारे च क्या हो जाएगा, तख्त लज्जे सुखी भवेत, ठीक है, ये आपके मिलान वाले हो गए। नहीं हो रहा है तो मैं इनको आपको ब्रश की सहायता से मिलान करवा देती हूँ। धन धान्य प्रयोगे से क्या आएगा, ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। विद्याया संग्रेशु चय विस्मयो न ही कर्तव्य, किसमें हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, जो बहुरत्ना वसुंधरा है उसमें हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर सत्यं धारयते पृथ्वी, सत्यं तप्ते रवि, सद्भिर् विवादम मैत्री च, ना सद्भिः किंचित् आचरेत, ठीक है। फिर आहारे व्यवहारे च, तख्त लज्जे सुखी भवेत, ठीक है, ये मैंने आपको मिलान करवा दिया है। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो एक पद में उत्तर आप खुद दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से समझा है तो। पृथ्वीयां कति रत्नानि, तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं ये खुद करिए आप, कितने रत्न हैं,
थोड़ा उस भी आप ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ, आप करते नहीं हैं है ना, और उसमें वीडियो में ही देख के करते हैं, तो मैं हमेशा आपको बाद में ही बताऊंगी। पहले जब मैं आपको पहले दिन पूरा हो जाता है चैप्टर तो आप खुद उनको करने की कोशिश कीजिए है ना, तो नेक्स्ट डे आता है वो। तो ये जब आज आपके पास आ रहा है उससे पहले आपके पास इनके क्वेश्चन आंसर करने की आपको चेष्टा करनी चाहिए, ठीक है ना। आप रट के ही कर देते हो, पृथ्व्याम कति रत्नानि, कितने रत्न है पृथ्वी पे, त्रीणि रत्नानि, कौन कौन से हैं त्रीणि रत्नानि, कौन कौन से बताए थे मैंने, जल अन्न और सुभाषितम, ठीक है ना। लेकिन एक पद में उत्तर देना है हमें त्रीणि रत्नानि, लेकिन पता होना चाहिए कौन कौन से थे, जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, देखो तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, लेकिन इसमें किसे, इसमें क्या आया है किसे, जो मूढ़ लोग हैं जो मूर्ख लोग हैं वो रत्नों की संज्ञा किसे देते हैं, वो रत्न किसे मानते हैं, तो पाषाण खंडेशु, किसको मानते हैं, मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, किसको मानते हैं, पाषाण खंडों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी केन धारियते, पृथ्वी किससे धारित होती है, तो केन तृतीय विभक्ति का आया है, तो सत्येन, सत्य से धारित होती है पृथ्वी, किससे धारित होती है, सत्य से धारित होती है, अर्थात सत्य को धारण करती है। कई संगतिम कुर्वित, हमें किसकी संगति करनी चाहिए, सज्जनई या सद्भी है ना, सद्भी या सज्जनई, तो आप सज्जनई भी लिख सकते हैं, सद्भी भी लिख सकते हैं, सद्भी ही संगति कुर्वित, किसकी करनी चाहिए, सद्भी ही संगतिम कुर्वित। फिर है लोके वशीकृति का, लोक में जो वशीकरण है वो क्या है, वशीकृति क्या है, किसको माना गया है, किसको बताया था मैंने, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण किसको बताया था, क्षमा, क्षमा वशीकृति लोके बताया था ना, क्षमा वशीकृति लोके, तो क्षमा लोके आपको का की जगह क्या आ जाएगा, लोके वशीकृति क्षमा, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं क्षमा लोके वशीकृति, लेकिन हमें तो जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं उनकी जगह लिखना है ना, तो लोके वशीकृति क्षमा, ठीक है। फिर है रेखांकित पदानी अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुर्वत, अधिकृत्य अर्थात रेखांकित जो पद है जिनके नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं उनको आपको आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है ना, तो प्रश्न निर्माण कैसे करना है प्रश्न निर्माण का मतलब क्या है, यहाँ क्यों करवा रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ उत्तर दिया हुआ है, और जिसका उत्तर दिया हुआ है तभी तो उसका प्रश्न निर्माण करेंगे है ना। तो ये मैं आपको पहले समझाऊंगी कि कैसे आपको प्रश्न निर्माण करना है, वैसे बच्चों को आता होगा लेकिन मैं दोबारा इसको समझाऊंगी, इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि आपको प्रश्न निर्माण कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे थोड़ा तो इसमें बता देती हूँ, सत्येन वाति वायु, यानी सत्य से ही वायु बहती है, ये क्या हो गया, ये उत्तर दिया हुआ है, हमें बात बताई गई है कि सत्य से ही वायु बहती है ना। तो जैसे मैं उसियों में खाना खाती हूँ है ना, मैं खाना खाती हूँ, तो मैंने ये उत्तर दिया है ना। तो कोई मुझसे पूछ रहा है मैं क्या खाती हूँ, तो उत्तर क्या आया, खाना, ठीक है। तो ऐसे ही ये है, सत्येन वायु वाति वाति वायु, यानी सत्य से वायु बहती है, सत्य से वायु बहती है, तो हमें क्या करना है, किससे वायु बहती है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, किससे वायु बहती है, तो सत्येन तृतीय विभक्ति आई है, तो प्रश्न निर्माण के जो किम के रूप है उसमें भी हमें तृतीय विभक्ति का एक वचन ही लिखना है, क्योंकि सत्येन क्या है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो सत्येन केन वाति वायु, सत्येन की जगह क्या आ जाएगा, केन, क्या आ जाएगा, केन वाति वायु, यानी किससे वायु बहती है, किससे बहती है, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी सत्येन वाति वायु, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, केन वाति वायु। फिर है नेक्स्ट सद्भी एव सहासित, जो सद्भी है सज्जन है उनके साथ में ही रहना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, एव सहासित, सह प्लस आसित, उनके साथ में ही रहना चाहिए, बैठना चाहिए, तो ये उत्तर दिया हुआ है कि सज्जन लोगों के साथ में ही हमें बैठना उठना चाहिए, तो क्वेश्चन बनाएंगे हम, प्रश्न बनाएंगे, तो किसके साथ में रहना चाहिए, किसके साथ में रहना चाहिए, तो सद भी आया है उसके अनुसार ही हमें क्या बनाएंगे, प्रश्न निर्माण बनाएंगे, तो सद भी बहुवचन है ना, बहुवचन है,
प्रथम पुरुष का तो क्या करें, द्वितीय विभक्ति का क्या है, बहुवचन है तो कई ही है ना, क्या लिखेंगे हम, कई ही एव सह आसित, कहे कई एव सह आसित, यानी कई का मतलब किसके साथ में हमें बैठना उठना चाहिए, ठीक है, किसके साथ में बैठना उठना चाहिए। कह है, कह के ऊपर दो मात्राएं हैं और विसर्ग है, क्योंकि सदबी के आगे भी विसर्ग है, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे कई, ठीक है, कैसे लिखोगे, कई ही ऐसे लिख दोगे, कई एव सहाशित है, और ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, कै में इसमें क्या आ जाएगा, कैन, कैन, ठीक है, दूसरे में कई ही, ठीक है। नेक्स्ट है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, जो धरती है पृथ्वी है बहुरत्नों वाली है, तो कौन बहुरत्नों वाली है, वसुंधरा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग का प्रश्न निर्माण क्या होगा, का, है ना, ये आपको आपको आते हैं क्या, ये मैंने बताए हैं ब्लैक बोर्ड वाले वीडियो में, पुल्लिंग का तो क्या होता है, एक वचन कह, फिर द्वि वचन कौ, और बहुवचन के, क्या होगा, कह कौ के, और स्त्रीलिंग का क्या होगा, का के कहा, क्या होगा, कहा, जैसे पुल्लिंग का बालक है बालकऊ बालकहा, ठीक है, हाँ यहाँ पे कहा आएगा, रुकिए एक मिनट आप, मैं इसको इरेज करती हूँ। तो जैसे बालक का प्रथम होता है कह कऊ कहा, यहाँ भी क्या आएगा, कहा, बालक है बालक है बालकऊ बालकहा, यानी एक बालक दो बालक अनेक बालक, वैसे ही एक लड़की एक बालिका, बालिका बालिके बालिकाहा, क्या आएगा, बालिका बालिके बालिकाहा। तो ये तो जो है, ये जो लाइन है ये पुल्लिंग की हो गई, ये स्त्रीलिंग की हो गई, तो यहाँ पे क्या आया, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा एक वचन है, तो इसका हम प्रश्न निर्माण वाला जो किम का रूप है वो क्या लेंगे, का, एक वचन में क्या आया है, का, तो का बहुरत्ना भवती, क्या आएगा यहाँ पे, वसुंधरा की जगह का बहुरत्ना भवती, वसुंधरा जो अंडरलाइन शब्द है उसकी जगह क्या आ जाएगा, का बहुरत्ना भवती, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यायाः संग्रहेषु तक्तलज्जः सुखी भवेत, यानी विद्या के संग्रह में हमें लज्जा का जो त्याग करते हैं वो सुखी होते हैं, तो विद्यायाः संग्रहेषु, है ना, तो इसमें हमें करना है किसके संग्रह में, है ना, किसके संग्रह में, तो किसके लिए क्या आएगा, कश्या, कश्या, कश्या संग्रहेषु तक्तलज्जः सुखी भवेत, विद्याया संग्रहेषु तक्तलज्जः सुखी भवेत, विद्या के संग्रह में जो लज्जा का इनका त्याग करता है भीरुता का वो सुखी होता है, तो हमें प्रश्न निर्माण कैसे करना है, किसके संग्रह में, तो किसके लिए क्या आएगा संस्कृत में, कश्या, ठीक है। नेक्स्ट है सद्भि ही मैत्रीं कुर्वित, है ना, तो हमें सज्जन लोगों के साथ में क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, सद्भि ही मैत्रीं कुर्वित, तो किस पे आई है अंडरलाइन, मैत्री पे आई है, तो हमें सज्जन लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो प्रश्न निर्माण हम करेंगे तो सज्जन लोगों के साथ में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिंदी का शब्द क्या है, क्या, तो क्या को संस्कृत में क्या लिखोगे, किम, क्या लिखोगे, किम, तो आप किम इस प्रकार लिख दोगे, ठीक है। सद्भि ही किम कुर्वित, उत्तर दिया हुआ है मैत्री कुर्वित, तो हमें तो प्रश्न निर्माण करना है,
किन को आधार मानकर, जिनके नीचे अंडरलाइन है ना, जो रेखांकित है। तो सद्भिः ही किम कुर्वित, सद्भिः जो सज्जन लोग हैं उनके साथ में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हुए आपके प्रश्न निर्माण वाले। मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊंगी, फिर से ब्लैक बोर्ड पे वीडियो बना के उस पे अच्छे से आपको समझाऊंगी कि कैसे प्रश्न निर्माण करना है। अभी तो मैंने ये करवाया, इतने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।